हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है और वो दो भुजाओं जिनकी प्रत्येक की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर, साथ में आपसे कह रहा है कि उनके बीच का जो कोण है वो 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का है, तो क्या करना है। मैंने आपसे कहा ये तो सर्वप्रथम क्या करूँगा, मैं एक बीसी रेखा 6.5 सेंटीमीटर की मैं ड्रॉ करता हूँ। एक बीसी रेखाखंड, इधर मैं एक बीसी रेखाखंड को BC को जो 6.5 सेंटीमीटर का है एक मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। फिर हमें एंगल बी पर या सी पर, जरूरी नहीं बी पर ही आप बनाएं, सी पर ही बना सकते हो, ऐसा कुछ उसमें नहीं दे रखा है कि एंगल आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बनाएं। तो एंगल बी पर या सी पर 110 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो BX उसका नाम दे देंगे। अब 110 डिग्री का कोण आप प्रकार से कैसे बना पाएंगे, जो ये तो प्रकार से संभव नहीं है, लेकिन 110 डिग्री का आप चांदे से बना सकते हैं, क्योंकि प्रकार से केवल वही कोण बनाए जा सकते हैं जो 15 की टेबल में आ जाए। प्रकार से 110 डिग्री का कोण 15 की टेबल में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर 105 होता, 115 होता तो सभी बन जाते, लेकिन 110 15 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए वो नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं कि 100 पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री को फिर 105 डिग्री पर बनाएंगे, 105 डिग्री के पास से गुजरती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे, तब उसमें भी थोड़ा सा इधर उधर सस्पेंस रहेगा, मतलब जो दो एक डिग्री डिफरेंस आ सकता है। तो चांदी का ही यूज करें आप, तो उसमें क्या करेंगे, 90 डिग्री यानी 110 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन हमने ड्रा कर देंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे 110 डिग्री का कोण बनाते हुए, और ये लाइन हमका इसका नाम दे देंगे BX। फिर 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप बना देंगे, इस चाप को हम इस सी से जोड़ देंगे, इसका नाम दे दिया हमने ए। तो वही चित्र मैंने ये बनाया आपको, BC 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने खींचा, B पर 110 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी, जिसका नाम मैंने दिया BX। और इस BX पर क्या किया मैंने, BA यानी कि 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या मैंने प्रकार भरी, और फिर बी को केंद्र मानते हुए एक चाप बना दी, जो बिंदु जो रेखा BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु A से BC को मैं जोड़ दूंगा, यानी A और C दोनों को जोड़ दूंगा, इस तरीका से AC रेखा आ गई, तो ये बन जा रहे त्रिभुज ABC और ABC जिसमें कोण A एक कोण B 110 डिग्री का है। अब चित्र बनाने के साथ साथ हमें जरूरी होता है कि इनकी स्टेप्स लिखना जरूरी है। अगर आपने चित्र बना दिया, रचना कर दी और आपने उसके विषय में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन वो अभी अधूरा है। इसलिए जब भी आप रचना वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं, पहले आप फिगर बनाएं और फिगर बनाने के साथ उसमें स्टेप्स लिखें, और स्टेप्स वे होती हैं कि स्टेप जैसा आपने रचना में बनाया है, रचना की है, सेम उसी का जिस स्टेप से आपने किया है उसी के विषय में आपको लिखना होता है, तो वो स्टेप्स होती हैं। तब स्टेप्स आप लिख देंगे, इसका मतलब आपने वो सारा जो रचना कह रहा है उसके विषय में सारा कुछ आपने डिटेल में दे दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा, पहले सर्वप्रथम BC इजकल टू 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। उसके बाद में क्या किया, B को केंद्र मानकर 110 डिग्री का कोण बनाते हुए
एक रेखा BX खींचते हैं, है ना, BX खींची या खींचते हैं या खींची जैसे अभी प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर, तो मैंने B को केंद्र मानकर एक चाप लगा दी जो BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है। फिर A से C को मिला दिया, इस तरीका से हमारे पास एक चित्र बन गया जिसका जो हो गया त्रिभुज ABC और इसमें कोण B है आपके पास वो 110 डिग्री, 110 डिग्री। अतः इसे हम ये कह सकते हैं कि इस तरीका से हमारा ये चित्र बना वो एक्यूरेट चित्र हो गया और जैसा क्वेश्चन कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।